free. Come on, little girl. All you gotta do is set me free. Can't you see? Come on, little girl. All you gotta do. दिन ब दिन ठंड काफ़ी बढ़ती जा रही है, लेकिन गर्मियों के बाद ठंड का एक अलग ही मज़ा है। पर सर्दियों में अगर हम कुछ टिप्स को फॉलो करें तो अच्छे से सर्दियों का मज़ा ले पाएंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पैशनेट होम। जो मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो पहले से मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं उनके लिए थैंक यू वेरी मच। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सर्दियों में जब धूप निकलती है तो जो रोज़ के ब्लैंकेट होते हैं ओढ़ने वाले, अगर जितना भी आपके यहाँ पर धूप निकलती है उसी के हिसाब से आप ब्लैंकेट को लेकर उसी धूप में अगर डालेंगे, आधा घंटा हो, एक घंटा हो, जितना भी टाइम आपके पास है, जितना धूप निकलता है, तो आपका जो ब्लैंकेट है वो वार्म रहता है। और आप उसको फोल्ड करके रखने से वो अच्छा फील होता है, वार्म फील होता है उसको ओढ़ने में। नहीं तो वो ब्लैंकेट घर में रखे हुए बहुत ही ठंडे हो जाते हैं, आपको ओढ़ने में ठंडे ठंडे लगते हैं। लेकिन अगर रोज़ आप उनको इसी तरह से धूप में थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो आपको जब ओढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। सर्दियों में ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। नहाने के वक्त थोड़े से ऑयल लगा कर उसके बाद अगर आप क्रीम लगाएंगे तो आपका जो स्किन हो वो नहीं फटेगा, इसीलिए ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इस तरह के बॉटल में जो ऑयल आता है वो जम जाता है और उनको बार बार गर्म करके लगाना पड़ता है। इसीलिए अगर आप ला रहे हैं तो चौड़े मुँह वाला ऑयल का बॉटल लाइए, नहीं तो अगर आप मेरी तरह इस तरह के घर में ख़रीद कर ला चुके हैं तो आप एक जुगाड़ कर सकते हैं। इस तरह के एक छोटे वाले कंटेनर लीजिए, जैसे चौड़े मुँह वाला कंटेनर है, और वो बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे, लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगे। अगर आपके घर में हो तो भी चलेगा। इस ऑयल बॉटल को आप अच्छे से गर्म करके इसी कंटेनर में आप सारा ऑयल निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको यूज़ करना बहुत ही आसान होता है। अगर ये जम भी गए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इसको निकालकर आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से हम लोग अपने विंडो और डोर को बंद करके रखते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ही ठंडी हवा चलती रहती है। लेकिन जब बाहर धूप निकलने लगे तो आप अपने विंडो को खोल दीजिए, क्योंकि बाहर का जो फ्रेश एयर अंदर आएगा और वेंटिलेशन अच्छा होगा तो आपका रूम भी फ्रेश लगेगा, और बाहर की धूप अगर रूम में गिरने से आपका रूम वार्म भी लगेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। अंधेरे घर में रहने से बहुत ही स्ट्रेस फील होता है, इसलिए जब भी धूप निकले डोर और विंडो को खोल देने से बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छा फील भी होता है। जब हम किचन में काम करते हैं हमारी आदत होती है कि हम लोग बार बार हाथ धोते हैं, खाना बनाते टाइम हाथ धोते हैं, बनाने के बाद हाथ धोते हैं, क्लीनिंग करने के बाद हाथ धोते हैं। इस तरह से बार बार हाथ धोने से हमारा और विंटर सीजन में अगर हम लोग बार बार हाथ धोते हैं तो हमारा हाथ जो है वो साबुन की वजह से हमारा हाथ बहुत ही रफ़ हो जाता है, ड्राई हो जाता है, इसलिए खींचा खींचा सा महसूस होता है। इसलिए मैं सुबह हो या शाम सारे काम ख़त्म होने के बाद मैं जाकर मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे उसके बाद और पानी नहीं होना पड़ेगा। और जो बार बार हाथ धोने की वजह से मेरा हाथ जो रफ़ हो गया है, मॉइस्चराइज़र लगाने से मेरा हाथ सॉफ्ट रहता है, अच्छा भी रहता है। इसी तरह विंटर में लिप्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, और जिनका ड्राई स्किन है मेरे जैसे तो और भी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। इसीलिए मैं लिप बाम की जगह एक छोटे से कंटेनर में देसी घी रखती हूँ, ताकि घी लगाने से मेरा जो लिप्स है बहुत सॉफ्ट रहता है। जब भी ड्राई हो जाते हैं मैं लिप्स में वही देसी घी लगा लेती हूँ और इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। जब सर्दियाँ आती हैं तो हम लोग बहुत सारा जैकेट, स्वेटर, स्कार्फ, कैप्स वगैरह निकाल लेते हैं पहनने के लिए, इससे घर बहुत ही ज़्यादा भरा भरा लगता है।
इसीलिए सर्दियाँ आने से पहले ही आप एक स्पेस आपका खाली करके रखें, ताकि ये सारी चीज़ें फोल्ड करके आप वहीं उसी में ही रख दें, और जो भी जब भी पहनना हो तो उससे निकाल कर पहन सकें और बाद में उसको फोल्ड करके उसी स्पेस में ही रख दें। मैंने अपनी बेटी के जो कबर्ड है उसमें एक छोटा सा स्पेस जो है वो खाली कर दिया था सर्दी आने से पहले ही, ताकि मैं इन सारे स्वेटर जैकेट्स, बच्चों के तो बहुत सारे ही होते हैं ख़राब गंदे हो जाते हैं इसलिए बहुत सारे निकालने पड़ते हैं, तो उन सबको मैं फोल्ड कर जो पहनते हैं फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो है मैं फ़ोल्ड करके वहीं पर भी मैं रख देती हूँ, ताकि जब ज़रूरत पड़े मैं वहाँ से निकाल कर उनको पहना सकूँ और ख़ुद भी पहन सकूँ ज़रूरत पड़ने पर। और घर में बहुत ज़्यादा घर ज़्यादा भरा भरा फैला हुआ ना दिखे, इसीलिए एक स्पेस खाली करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। सर्दियों में धूप बहुत कम निकलता है और कम टाइम के लिए भी निकलता है, तो इस तरह के जो कॉटन के जो टॉवल होते हैं उनको सूखने के लिए बहुत टाइम लगता है, और अच्छे से नहीं सूखने से वो बहुत ही गीले गीले हाथ को लगते हैं, अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए सर्दियों में इस तरह के टॉवल यूज़ ना करके अगर आप माइक्रोफाइबर के टॉवल यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा होता है। ये टॉवल जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है, और इनको अगर आपको धोकर सुखा देने से ये तुरंत ही सूख जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा धूप की इनको ज़रूरत भी नहीं होती है। इसीलिए सर्दियों में कम धूप की वजह से जो टॉवल नहीं सूखते हैं अगर उनको रिप्लेस करके आप अगर ये टॉवल यूज़ करें तो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। हमारे इंडिया में सबको चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ख़ास तौर पर सर्दियों में इनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती है घर में, इसीलिए लोग बहुत टाइप के चाय पीना पसंद करते हैं, जैसे कि हर्बल टी हो गया, ग्रीन टी हो गया, और सर्दियों में ज़्यादातर मसाला चाय पीना पसंद करते हैं लोग। लेकिन मैं अदरक डालकर चाय बनाती हूँ, क्योंकि मुझे हम सबको हमारे घर में बहुत पसंद है अदरक डालने से, सर्दियों में जो कफ कोल्ड वगैरह होता है वो नहीं होगा, और गले का प्रॉब्लम होगा तो वो भी ठीक हो जाता है और अच्छा भी लगता है। इसीलिए मैं सर्दियों में हमेशा चाय में अदरक डालकर ही बनाती हूँ, और उनको पीना भी बहुत अच्छा लगता है, और ये तबीयत के लिए भी ठीक है और कफ कोल्ड के लिए भी बहुत ही अच्छा है, इसीलिए मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।